अपने सोनू यादव एंड शिवम राजा। हाय दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय दोस्तों। मेरी सम्मानीय एचओडी मैम व मेरी एचओडी सर व मेरे समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं, मैं आपके समक्ष अपने मन विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनमें कुछ शेष गलतियां हो जाए, जिनका ध्यान रखने से सुनने का कष्ट करें। यदि आप सभी अनुमति हो तो क्या मैं अपने अनुमति है तो क्या मैं अपने विचारों को सुनाना आरंभ करूं। पहले तो मैं एक समाज सुधारक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक दुकानदार होता है, दुकानदार अपनी दुकान को चलना स्टार्ट करता है तो वहीं एक पास आकर एक कुत्ता आकर खड़ा हो जाता है। कुत्ता आकर खड़ा होता है तो उसके मतलब गले में थैली होती है, तो दुकानदार देखता है इसकी थैली लटकी हुई है, तो क्यों ना मैं इसके पता नहीं मुझसे क्या मांग रहा है या फिर क्या चीज है जिससे किसी चीज की जरूरत है। तो वह दुकानदार उसकी थैली में कुछ पैसे डाल देता है, खाने के कुछ सामान डाल देता है और वहां से वह कुत्ता वापस चल देता है। तो कुत्ता मतलब दुकानदार सोचता है कुत्ते को देखकर, ये इतना समझदार कुत्ता और इतना समझदार कुत्ते का मालिक कौन हो सकता है, ये कहां जा रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वह कुत्ता चला जाता है और दुकानदार भी उस कुत्ते का पीछा करता है। कुत्ता रास्ते में जाकर बस का इंतजार करता है, बस आते ही कुत्ता बस में चढ़ जाता है। तो बस में चढ़ता है तो उसके थैली में उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, कुछ पैसे होते हैं, तो कंडक्टर जो होता है उसके मतलब उससे निकालता है पैसे और कुछ पता देखता है। पता देखते ही उसमें से कुछ पैसे अपना किराया काटता है, काटने के बाद बकाया पैसे उस थैली में डाल देता है। फिर उस बस चलती है, कुछ देर बाद उसका घर आ जाता है। घर आने के बाद कुत्ता अपनी पूंछ लाना स्टार्ट कर देता है, समझ आ रहा है कंडक्टर का, हाँ इसका स्थान आ गया, तो वहां कुत्ते को उतार दिया जाता है। कुत्ता जब उतरता है तो वहीं पर उसके पीछे जो आ रहा है दुकानदार वो भी वहीं उतर जाता है। वो भी जब वहीं उतर जाता है तो कुत्ता जाता है दरवाजे पर, मालिक को दरवाजे जो होता है अपने घर के दरवाजे को, और अपने पैरों के पंजे से खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। दो बार करता है, तीन बार करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार कुत्ते का मालिक अंदर से गेट खोलता है, कुत्ते को डंडे से मारना स्टार्ट कर देता है। कुत्ते को डंडे से इतना मारता है कुत्ता भी बड़ी मतलब ललकारना स्टार्ट कर देता है। तो उसे देखकर उसको दया आती है दुकानदार को, वह कहता है इसका कारण पूछता उससे मालिक से, क्या इतने समझदार कुत्ते को आप मार क्यों रहे हैं। तो वह मालिक कहता है गाली देकर कुत्ते से, कमीने कुत्ते तुझे इतना ही पता नहीं था, चाबी लेकर नहीं जा सकता था, चाबी लेकर जाना चाहिए था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटी सी गलती नहीं करनी चाहिए, यदि छोटी सी गलती करेंगे तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और यदि छोटी गलती है तो हम उनको सुधार सकते हैं, और यदि बड़ी गलती हो जाए, बड़ी गलती जब बड़ा रूप ले लेती है तो उन्हें सुधारने के लिए हमें एक कठिन प्रश्न जैसा मालूम पड़ता है। हमें कभी भी गलती तो करनी चाहिए मगर ध्यान रखना चाहिए कि जान मान गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और यदि हमारे सामने कोई गलती कर भी रहा है तो हमें उसे सिखा देना चाहिए, परेशान करना चाहिए कि भाई यदि ऐसा तुम मत करो। ठीक है, तो मैं दो और पंक्तियां और कहना चाहूंगा। हर पल में खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से जीवन देती है मां, भगवान क्या है, मां को पूजिए मेरे भाइयों, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूरी रखिए मेरे भाइयों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिंदगी से अपनी दूर न जाना, रास्ते की परेशानी से टूट न जाना, जब भी जरूरत हो जिंदगी में किसी अपने की मेरे भाइयों, तो हम आपके अपने हैं, ये कभी भूल न जाना। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए, रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार रहना आसमान को झुकाने के लिए।
हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरों को उदास रहने दो। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी सो गए अगर मेरे भाइयों, तो ये धन के पुजारी मेरे वतन बेच देंगे। फेल हुए छात्र को क्यों फेंक दिया जाता है, फेल हुए छात्र को क्यों फेंक दिया जाता है, जबकि फेल हुए मंत्री को पुनः उम्मीदवार बना दिया जाता है, यही एक बड़ी कमी है मेरे देश की, इसीलिए मेरा वतन सालों से फेल होता जा रहा है। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। यदि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, यदि तुम्हारा स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो कुछ नष्ट हुआ, और यदि तुम्हारा चरित्र नष्ट हो गया तो समझ लो मेरे भाइयों सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि इज्जत चरित्र केवल एक ही एक व्यक्ति को एक ही बार मिलती है, यदि वह एक बार उसको खो दे तो दोबारा जीवन में उसे दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि चरित्र और इज्जत एक ऐसी चीज है जो सालों में अपने जीवन में एक बार इकट्ठा करता है, और पलों में जिंदगी एक गलती से भी हो जाए तो जीवन में आदमी एक बार खो देता है, तो हमें सीख लेनी चाहिए, हमें बड़े सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि हर कदम पर पता नहीं हमसे क्या गलती हो जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।